नमस्कार दोस्तों, केयूके से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्राइवेट वाले पोर्टल से जिन स्टूडेंट्स ने अपना यूजी फाइनल ईयर यानी कि प्राइवेट का बीए बीएससी बीकॉम इत्यादि का यूजी कोर्स का फाइनल ईयर का फॉर्म भरा था, उनके एडमिट कार्ड जनरेट हो चुके हैं। वो आप कैसे चेक करेंगे? आपने अपने फ़ोन के ब्राउज़र में IMS पोर्टल ओपन कर लेना है। सर्च करेंगे आप IMS केयूके तो यहाँ पर आपको IMS का लिंक मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपने प्राइवेट कैंडिडेट पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर जो भी आपकी लॉगिन आईडी मेल आईडी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त इस्तेमाल की थी, जो पासवर्ड सेट किया था, वो डिटेल भर के लॉगिन कर लेना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपने एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर विकल्प रहेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपके सामने यहां पर शो कर दिया जाएगा मई 2024 प्राइवेट का जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था, रीअपियर कंपार्टमेंट, एडिशनल इम्प्रूवमेंट, फुल पेपर, वो यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा और सामने यहां पर विकल्प आपको दिख जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का। इस पर क्लिक करके आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसको आप देख पाएंगे, उस पर आपकी डिटेल्स रहेंगी, एग्ज़ाम सेंटर रहेगा और जो एग्ज़ाम की डेट्स और टाइमिंग है वो आपको डेट शीट में ही चेक करनी पड़ेंगी, वो आपके एडमिट कार्ड पर आपको नहीं मिलेंगी। और बात करते हैं जिन जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका फुल पेपर का है, वो केयूके की दूसरी वेबसाइट या फिर अपने लॉगिन से चेक कर सकते हैं या printrollnumber.keyuke.ac.in पर चेक करते रहें। इस तरीके से जो प्राइवेट वाले कैंडिडेट हैं वो अपना एडमिट कार्ड देख पाएंगे जिस पर यहाँ पर कोर्स ईयर सेशन प्राइवेट स्टूडेंट कंपार्टमेंट का है, एडिशनल का है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगी। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एग्ज़ाम रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक साइड में आपकी फ़ोटो, फिर नीचे एग्ज़ाम सेंटर का नाम, फिर आपका कोर्स कोड, कोर्स नेम, डेट और यहाँ पर टाइमिंग खाली आपको देखने को मिलेगी क्योंकि वो चीज़ आपने डेट शीट में चेक करनी है। उसको आप डेट शीट में चेक करके खुद भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम संबंधी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट वाले, जिन्होंने प्राइवेट वाले पोर्टल से फॉर्म भरा था, वो इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यूजी के एडमिट कार्ड, यूजी फाइनल ईयर के एडमिट कार्ड जनरेट हुए हैं। बाकी कोर्सेज के भी एडमिट कार्ड जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट्स पास आती जाएंगी, एडमिट कार्ड जनरेट कर दिए जाएंगे और स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।